अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खान किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ सूजी चिकन पकोड़ा। ये बहुत ही टेस्टी होता है, बच्चे बहुत पसंद से खाते हैं। चाय के साथ, नाश्ता पर या रमज़ान में इफ्तार के वक्त बनाएं। तो चलिए इसके लिए क्या क्या चाहिए वह देखते हैं। एक छोटा चम्मच कूटा हुआ काली मिर्च पाउडर, चार कटी हुई हरी मिर्च, दो छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, दो छोटा चम्मच खड़ा जीरा, हसबे जायका नमक, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 250 ग्राम बोनलेस चिकन, 1.5 कप सूजी, 6 बड़े चम्मच दही, आधा कप बारीक कटा हुआ धनिया, बारीक कटे हुए दो बड़े साइज के प्याज, 250 ग्राम तेल और आधा कप पानी। सबसे पहले हम एक बाउल लें, सूजी डालें और दही डालें, थोड़ा मिक्स करें। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें। अब यह मिक्स हो चुका है। बैटर को थिक होने के लिए 20 मिनट के लिए रख दें। 20 मिनट हो चुका है, बैटर हमारा फूल चुका है। अब हम सारे इंग्रेडिएंट इसमें डाल देंगे। चिकन को आप चाकू से बारीक कर सकते हैं या मिक्सर में डालकर पीस सकते हैं। बहुत बारीक मत कीजिएगा। प्याज, अदरक, हरी मिर्च, काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा, नमक और धनिया की पत्ती। अब इसे अच्छी तरह मिक्स करें। और 5 मिनट के लिए ढक कर रख दें। पैन में तेल डालें। तेल गर्म हो चुका है। अब हम मिक्सचर को फ्राई करेंगे। गैस मीडियम रखें और इस तरह मिक्सचर को डालें। आप चम्मच से भी डाल सकते हैं। दोनों तरफ गोल्डन ब्राउन फ्राई करना है। अब इसे पलट दें। अब ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है, हम इसे निकाल लेंगे। और बाकी सब भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। सूजी चिकन पकोड़ा हमारा तैयार हो चुका है। यह बहुत ही टेस्टी बना है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।